हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर हेस। और आज की टेक्न्यूज शुरू करने से पहले आप लोग हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। और जो लाइक्स आप देते हैं, आप प्रीवियस टेक्न्यूज में इतने ज्यादा लाइक्स नहीं आए थे, सिर्फ 3,500 के आसपास थे, मैंने चेक नहीं किया। लेकिन मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप ऐसी लाइक्स करते रहिए, 5,000 का मैंने नॉर्मल सा टारगेट बनाया हूं, कमेंट करते रहिए। और हम आज की टेक्न्यूज शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग एक और चीज बता देता हूं कि मार्च के महीने के अंदर मैं मीटअप प्लानिंग कर रहा हूं। सबसे पहले मैं प्लान करूंगा अहमदाबाद के लिए, उसके बाद मैं जाऊंगा दिल्ली, फिर अलीगढ़, तो ये सारी जगहों पर मैं जो मीटअप करने वाला, उसके बाद धीरे धीरे दूसरी सिटीज पर मैं जाने वाला हूं। तो मार्च के महीने में मैं 3 तारीख के पर जो वो अहमदाबाद आ रहा हूं, तो देख लेते हैं कि मुझसे कितने लोग मिलने के लिए आते हैं। मैं जानता हूं एग्जाम का महीना है, लेकिन उसी टाइम पे मुझे ट्रेवल करना है, तो मेरा कुछ काम भी है, तो मैं सोचा था कि मीटअप भी प्लान कर लूं। तो खैर, वो बात की बात है, और ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, आज की टेक्नो जो वो शुरू करते हैं। तो पहली खबर की बात करें तो शुरुआत करते हैं यहां पे सैमसंग। तो रिसेंटली यहां पे सैमसंग ने अपने 3 नए टीजर जो वो लॉन्च किया है अपने अपकमिंग स्मार्टफोन्स के लिए, जो कि सैमसंग गैलेक्सी S9 और S9 प्लस है। यहाँ पे अगर हम तीनों टीजर को ब्रेक करें, तो सबसे पहले टीजर की बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ एक सिंपल सा वीडियो दिखाई दे रहा है, और फाइनली ये वाला जो वीडियो वो एक जगह पे आके एकदम से स्लो मोशन में चला जाता है। यहाँ पे बता दे रहे कि अपकमिंग जो सैमसंग के स्मार्टफोन आएंगे उसके अंदर आप लोगों को हायर FPS पे अच्छे खासे स्लो मोशन वीडियोस रिकॉर्ड करने का मौका मिलेगा। उसके बाद जो दूसरा टीजर वो हिंट कर रहा है यहाँ पे लो लाइटनिंग वीडियो और पिक्चर्स क्वालिटी पे, जहां पे आप देखेंगे आपको कुछ जंगल दिखाई दे रहा है और एक जगह पे कुछ लोग रुक के पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे हैं। इसका मतलब लो लाइटिंग के अंदर आपको अच्छे खासे पिक्चर्स क्लिक करने का मौका मिलेगा। और तीसरे टीजर को ब्रेक करके देखेंगे तो यहां पे कुछ एक पार्टी चल रही है, और वहां पे एक पर्सन ने कुछ ड्रेस पहना हुआ अजीब सा, जहां पे उसका फेस एक जगह पे आके जो वो कुछ एनिमोजी तरीके के इमोजी तरीके का जो वो बन जाता है। जैसे कि मैंने आपसे कल कहा था कि iPhone 10 का जो एनिमोजी फीचर है 3D इमोजी वाला, वो आपको सैमसंग के अपकमिंग स्मार्टफोन्स में देखने को मिलेगा। तो ये तीनों टीजर हिंट करेंगे सैमसंग का जो अपकमिंग स्मार्टफोन्स आ रहे हैं फ्लैगशिप, इसके अंदर आप लोग को बहुत ही जबरदस्त कैमरा देखने को मिलेगा। ये तो MWC 2018 के अंदर खुलासा हो जाएगा कि सैमसंग हमारे लिए इस बार जो वो क्या लेके आता है। तो Xiaomi की तरफ से खबर आई है और बताया जा रहा है कि Xiaomi इंडिया के अंदर अपने खुद के सेल्फ ओन्ड मी स्टोर जो वो ओपन करने वाला है। अगर आपको पता नहीं होगा तो जो अभी स्टोर्स आप Xiaomi के देख रहे हैं वो यहां पे कोई और फ्रेंचाइज चलाती है, लेकिन मैनेज यहां पे जो वो Xiaomi करता है। अब यहां पे बताया जा रहा है कि Xiaomi के खुद के अपने सेल्फ ओन्ड मी स्टोर आपको जो वो देखने को मिलेंगे, क्योंकि यहां पे 2018 जनवरी के अंदर गवर्नमेंट ने यहां पे जो FDI की रेट रखी है वो 100% कर दी है, प्रीवियसली जो वो 49% था। यानी कि अब जो वो जो भी फॉरेन कंपनीज को अगर इंडिया में स्टोर ओपन करना रहेगा, उसको यहां पे गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो Xiaomi ने कहा कि इससे ये हमारा फायदा हो जाएगा कि हम अपने खुद के सेल्फ ओन जो वो मी स्टोर यहां पे इंडिया में ओपन करने वाले हैं। तो अच्छी बात है कि Xiaomi यहां पे अपने खुद के स्टोर्स इंडिया में ओपन करने वाला है, और बहुत जल्दी में ये वाले टाइप के स्टोर्स भी जो वो देखने को मिलने वाले हैं। तो Qualcomm ने यहां पे अपने Snapdragon के X24 के लेटेस्ट मॉडेम LTE चिप को जो अनाउंस कर दिया है। ये वाले जो चिप है आप लोगों को बता रहा था कि ये अभी बता दे रहे कि 2018 के एंड से जो शुरू हो गए, जो 2019 में जो भी स्मार्टफोन आएंगे जिसके अंदर 5G का सपोर्ट मिलेगा, उसके अंदर स्पेशली ये वाले चिप जो वो जाने वाला है। अभी रिसेंटली जो X20 वाले चिप जो Snapdragon के Qualcomm ने अनाउंस किया था, वो Snapdragon के 845 वाले फोन के साथ में देखने को मिलेंगे, जो आप लोग को 1.2 GB बेस की डाउनलोड स्पीड दे रहे हैं, और जो कि 10 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी वाले जो वो चिप पे बने हुए। लेकिन ये वाले जो X24 वाले, ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जो आपको 2 GB बेस के आसपास जो आपको डाउनलोड स्पीड मिलेगी, और ये पहले ऐसे चिप जो आपको 7 nm यानी कि 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर जो बनाया गया है। तो ये 2018 के एंड से जो यूज होगा, और 2019 से जो स्टार्ट होगा जो 5G नेटवर्क को सपोर्ट करेगा। हालांकि इसका डेमोन्स्ट्रेशन Qualcomm ने बताया कि वो MWC 2018 में करेगा, तो वहां पे हमें और भी ज्यादा जानकारी इसकी जो वो मिल जाएगी। तो यहाँ पे HMD की तरफ से खबर आ रही है, यानी कि नोकिया की तरफ से खबर आ रही है, अपकमिंग स्मार्टफोन्स नोकिया 7 प्लस नोकिया 1 के यहाँ पे कुछ पिक्चर्स जो वो लीक हो गई है। और यहाँ पे अगर सबसे पहले पिक्चर की बात करें तो नोकिया 7 प्लस में आपको वही सेम चीज दिखाई दे रही जो प्रीवियसली रूमर्स आ रहे थे। आपको सामने की तरफ एक 18:9 वाले डिस्प्ले देखने को मिल रही है, और दूसरे टाइप आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे डुअल रियर फेसिंग कैमरा मिल रहा है, फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल रहा है, और नीचे की तरफ आपको एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई दे रही है, वहां पे लिखा हुआ है एंड्रॉइड 1। हो सकता है कि नोकिया का 7 प्लस हम सभी लोगों को एंड्रॉइड 1 के साथ में देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं नोकिया 1 की, तो आप देखेंगे आपको एक्सटेंडेड सा स्मार्टफोन दिख रहा है, जो यहां पे बता दे रहा है कि ये HMD का पहला ऐसा नोकिया स्मार्टफोन होगा जो आपको एंड्रॉइड गो के एडिशन के साथ में मिलेगा, जहां पे इसके अंदर आप लोग को एक 1 GB की रैम, 8 GB की स्टोरेज, और आपको एक 5 इंच की HD की डिस्प्ले मिलेगी। तो देख लेते हैं कि इसकी प्राइसिंग यहां पे जो वो HMD क्या रखता है, तो MWC 2018 में पता चलेगा, और अप्रैल में ये सारे स्मार्टफोन इंडिया में भी आने वाले। तो MWC 2018 का वेट कर लेते हैं, और ये सारी चीजें वहां पे जो वो देख लेते हैं कि क्या हमारे लिए लेके आते हैं। तो Huawei की तरफ से खबर आ रही है, और यहां पे कल बताया जा रहा था कि यहां पे US के अंदर CIA NIA FBI वगैरह ने जो अनाउंस कर दिया था कि Huawei के और ZTE के स्मार्टफोन्स आप लोग यूज नहीं करिए, क्योंकि ये वाले जो कंपनी है इनके जो स्मार्टफोन्स के जरिए आपके डेटा को स्टील किया जाता है, या फिर थर्ड पार्टी को जो वो शेयर किया जाता है, यानी कि काफी रिस्की है। और US के अंदर इसके ऊपर जो एक लॉ पास किया जा रहा है, और इन वाले जो स्मार्टफोन जो लोग यूज कर रहे हैं US के अंदर, इसको जो वो बैन किया जा रहा है। हालांकि यहां पे Huawei ने फाइनल इसके ऊपर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जो वो दे दिया, और कहा
है कि अगर यूएस ऐसा कहता है तो हमारे तो 170 कंट्रीज के अंदर हमारे फोन्स बिक रहे और वहां की जनता और वहां की गवर्नमेंट तो हमें सपोर्ट कर रही है, तो फिर यूएस ऐसे क्यों बोल रहा है। हालांकि यहां पे हुआवे ने यह भी कहा कि प्रीवियसली यहां पे हुआवे का और यूएस के अंदर कुछ प्रॉब्लम था, तो शायद से वो भड़ास भी यहां पे जो यूएस जो वो निकाल रहा है। तो कुछ इस तरीके का हुआवे ने अपनी ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया और ये भी कहा है, ZTE ने भी साथ में ये कहा है कि हमारे स्मार्टफोन्स यहां पे सेफ है, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हमारे स्मार्टफोन्स के अंदर जो वो नहीं है। तो देख लेते कि ये लड़ाई कितनी आगे जाती। काफी सारे लोग इंडिया के अंदर जो वो कंफ्यूज्ड हो गए थे कि हुआवे के स्मार्टफोन्स या ZTE के स्मार्टफोन्स यूज करना यहां पे रिस्की है, तो मैं ज्यादा इस पे भी कमेंट नहीं कर सकता फिलहाल के लिए, रुक जाइए और देख लेते कि ये चीज जब क्लियर होती है ऑफिशियली उसके बाद ही आप जाके हुआवे के या ZTE के स्मार्टफोन्स परचेस कर लीजिए। तो गूगल की तरफ से यहां पे दो खबरें आ रही है और सबसे पहली खबर की बात करें तो गूगल ने यहां पे रिसेंटली इंडिया के अंदर अपने जीमेल गो एप्लीकेशन को जो वो लॉन्च कर दिया है और ये जो स्पेशल हम सभी लोगों को पता है कि जो एंड्रॉइड गो के एडिशन वाले जो हमें OS देखने को मिलने वाले जो कि बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन्स में होंगे, यूट्यूब गो है, उसके अंदर फाइल्स गो है और काफी सारे गो वाले गूगल का मैप्स गो है, तो गूगल का जीमेल गो भी आप लोग उसमें जो वो देखने को मिलने वाला है। तो ये जब वो स्मार्टफोन्स आएंगे उसी के अंदर आप लोग जो वो यूज करेंगे। अभी तो यहां पे आपके पास अच्छे खासे स्मार्टफोन्स तो है ही, यहां पे 9 MB की इसकी साइज है कंपेयर टू प्रीवियसली जीमेल की जो साइज थी वो 22 MB की थी, इंस्टॉल करने के बाद ये 27 MB हो जाएगी, तो प्रीवियसली उसको इंस्टॉल करते थे तो वो 47 MB के आसपास चली जाती थी। तो ये कुछ इस तरीके का आपको फीचर दे रहा है, ज्यादा आपको कुछ डिफरेंस देखने को उसमें नहीं मिलता है। साथ में यहां पे गूगल बताया जा रहा है कि अब से आज से यहां पे गूगल क्रोम अगर आप यूज करते तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएगा और अननेसेसरी एडवर्टाइजमेंट को यहां पर वो ब्लॉक करने वाला है। यहां पे जितने भी जो डेवलपर्स है जितने जो वेबसाइट्स है आप लोग को डिस्क्रिप्टिव एड्स दिखाती है जो अननेसेसरी होती है और बार 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 वही सेम एड्स दिखाती है और अक्सर लोग उसको फ्लैग करते हैं, उसके बाद भी वो एड्स आपको जो वो दिखाई जाती है। तो गूगल यहां पे जो वो डेवलपर्स है उनको वार्निंग देगा 3 स्टेजेस के अंदर, पास, वार्निंग और फेल। तो यहां पे इस तरीके की कुछ चीजें जो वो गूगल उनको रैंकिंग देगा और शायद से उनके जो वो चीजें एडवर्टाइजमेंट को डिसेबल भी करेगा। गूगल ऐसा कहा है हमें यहां पे जो वो स्ट्रिक्ट रहना है और अननेसेसरी एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की जगह डेटा जो ब्रीच होते हैं और वायरस वगैरह के अटैक को रोकने के लिए हमें ये स्टेप जो वो उठाना पड़ रहा है। तो कोमियो अगर आपको नहीं पता तो एक चाइनीज कंपनी जिन्होंने इंडिया के अंदर अपने दो नए स्मार्टफोन जो वो लॉन्च कर दिए, कोमियो का S1 लाइट, नाम ही अजीब है, कोमियो का C2 लाइट। ये दोनों स्मार्टफोन एक बजट कैटेगरी के स्मार्टफोन है जो कि प्राइसिंग की बात करें तो 6,000 रुपए से स्टार्ट होती है और 7,500 रुपए तक आपको जो एक मिलता है फोन। जो S1 लाइट है वो आपको 7,500 रुपए में मिलता है, 5 इंच की आपको HD की डिस्प्ले, 2 GB की रैम और शायद से 32 GB की स्टोरेज उसके अंदर, आप लोगों को 13 का रियर, 8 का आपको सेल्फी मिलता है और साथ में यहाँ पे कोड कोर अननोन प्रोसेसर मिलता है। तो बस यहीं पे किस्सा खत्म। साथ में यहाँ पे जो C2 लाइट, बहुत ही अजीब सा नाम है, C2 लाइट है वो आपको 6,000 रुपए में मिलता है, उसके अंदर भी आपको सेम स्पेसिफिकेशन लगभग से मिल जाती है, आपको 5 का सेल्फी, 8 का रियर मिलता है। मैं ज्यादा क्यों पता नहीं इस पे बहस कर रहा हूं। तो इस तरीके के स्मार्टफोन्स आपको इसके अलावा भी बहुत सारे फोन्स मार्केट में मिल जाते हैं। तो एप्पल की तरफ से खबर है जो बताया जा रहा है कि 2018 के अंदर हमें शायद से एप्पल की तरफ से कुछ अच्छी खबर जो वो सुनने को मिलने वाली है। हमेशा से मैं आप लोगों को खबर सुनाता तो वो अक्सर बैड न्यूज ही होती है, लेकिन अब यहां पे बता दे रहे कि एप्पल यहां पे अपने 3 नए आईफोन्स जो वो अनाउंस करेगा 2018 के अंदर, जहां पे जो पहला वाला आईफोन होगा वो सेम आपको आईफोन 10 टाइप जो वो डिजाइन मिलेगा, दूसरा यहां पे आईफोन 10 प्लस होगा जो आपको 6.3 इंच या फिर शायद से 6.1 इंच की आपको एक LCD डिस्प्ले मिलेगी और एक और हायर वेरिएंट होगा जो आपको 6.3 इंच की जो वो LCD डिस्प्ले देगा। तो यहां पे एप्पल यहां पे कुछ LCD डिस्प्ले शायद से इसलिए यूज कर रहा था कि वो अपने फोन्स को और चीप कर सके, क्योंकि अब जो भी आईफोन उन्होंने लॉन्च किए तो बहुत ही एक्सपेंसिव थे और उनकी मार्केट यहां पे जो वो गिर गई थी। तो 2018 के अंदर शायद से एप्पल का दिमाग यहां पे चल रहा है, सोच रहा है कि हम भी कुछ प्राइसिंग को रिड्यूस करें और लोगों के हाथ में अच्छी चीज थे और बजट में थे। तो देख लेते कि क्या वाकई में ऐसा होने वाला है, ये तो 2018 के अंदर जब अपने आईफोन्स एप्पल लेके आएगा उसी वक्त ये खुलासा हो जाएगा। साथ में एक और खबर है जो बता दे रहे कि एप्पल के होम पॉड्स के ऊपर यहां पे जो वो काफी इश्यू आ रहे हैं। मुझे समझता नहीं कि एप्पल की तरफ से बैड न्यूज होती है। अब यहां पे जो होम पॉड्स है, हालांकि ये सभी लोगों को तो नहीं मिले, कुछ लोगों को मिले और कुछ लोगों ने इस पे रिव्यू दिया था। तो यहां पे आप देखेंगे एक पिक्चर जो वो किसी ने जो वो लीक किया है, यानी कि पिक्चर पोस्ट किया ट्विटर पे, वहां पे आप देखेंगे एप्पल के होम पॉड्स को उसने हटा के बताया कि एप्पल के होम पॉड्स के नीचे से यहां पे व्हाइट रिंग स्टेन यहां पे जो वो रह जा रहा है। अब यहां पे एप्पल ने इसका रिप्लाई भी दिया कि आप जो वो उसके ऊपर सर्फेस पे ऐसे सर्फेस पे मत यूज करिए जहां पे वो जो वो निशान पड़ते हैं, और हम आपको जो एक चीज रिकमेंड करते हैं इस तरीके का ऑयल है उसको आप यूज करिए उसको साफ। एप्पल का रिकमेंडेशन भी ऐसा है कि वो बोलता है कि इस तरीके के ऑयल से साफ कर दो तो वो साफ हो जाएगा। तो खैर जो भी है, यहाँ पे लोगों को काफी कंफ्यूजन हो रहा है कि ये ले और उस वुडन सरफेस पे रखे नहीं रखे, क्योंकि एप्पल के होम पॉड्स के नीचे से इस तरीके के दाग निकल रहे हैं ताकि उनका वुडन फर्नीचर यहाँ पे खराब हो रहा है। तो ये देख लेते कि एप्पल और लोग यहाँ पे इस तरीके से इसके ऊपर जो कैसे इससे, मैं खुद कंफ्यूजन रहा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो फेसबुक की तरफ से खबर है जो बताया जा रहा है कि फेसबुक यहाँ पे अमेजोन, गूगल और एप्पल के कॉम्पिटिशन में अपने 2 नए स्मार्ट होम स्पीकर जो वो लॉन्च करने वाला है और जुलाई के अंदर हमें इस तरीके के स्पीकर जो वो फेसबुक की तरफ से देखने को मिलने वाले हैं। हालांकि यहाँ पे फेसबुक ने कहा है कि ये वाले स्पीकर थोड़े से अलग होंगे, जहाँ पे आप लोग को एक टस्किन वाला जो वो डिस्प्ले मिलेगा इसके अंदर, साथ में आप लोगों को यहाँ पे फेशियल रिकॉग्निशन का फीचर मिलेगा इस स्पीकर के अंदर, जिसके जरिए आप अपने फेशियल को रिकॉग्नाइज करके आप अपने फेसबुक के आईडी वगैरह भी जो वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके का कुछ स्पीकर होगा जो फेसबुक यहाँ पे स्मार्ट स्पीकर
लीकर जिसको बोलते हैं, जो फेसबुक यहाँ पे हमें जुलाई के अंदर फेसबुक की तरफ से देखने को मिलेगा, जिसकी प्राइसिंग की बात करें तो काफी एक्सपेंसिव होने वाला है, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पे कुछ प्राइसिंग डिटेल्स भी सामने आई थी। तो देख लेते कि अमेजोन, गूगल, एप्पल और अब यहाँ पे फेसबुक और कौन सी कंपनीज अपने स्मार्ट होम स्पीकर जो वो लेके आती है। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी खबर है जो बता दे रहे कि अगर आप यहाँ पे स्काइप यूज करते हैं तो बताया जा रहा है कि आपके एंड्रॉइड या जो भी आप iOS यूज कर रहे हो, डेस्कटॉप पे भी अगर आप स्काइप यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आप लोग का स्काइप एक बहुत ही बड़ी मुश्किल में पड़ चुका है। इसके अंदर यहाँ पे एक ऐसा सिक्योरिटी फ्लॉ है, अगर यहाँ पे अगर वो हैकर्स के पास चला जाता है तो वो आपके फोन का या डेस्कटॉप का पूरा कंट्रोल ले सकते हैं, सारी क्रिटिकल फाइल्स डिलीट कर सकते हैं, आपके डेटा को ब्रीच कर सकते हैं और बहुत सारे यानी कि स्पाई वगैरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने इसके पे कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन जो बड़े बड़े रिसर्चर्स यहाँ पे बैठे हैं उन्होंने ये कह दिया है कि अगर आप स्काइप अभी यूज करो तो फिलहाल के लिए इसको अनइंस्टॉल कर लीजिए। मैं भी आपसे यही रिकमेंड करता हूँ, मेरे पास भी स्काइप था तो मैंने आज उसको अनइंस्टॉल कर दिया। हालांकि रिस्क नहीं लेना, भले ही अफवाह उड़ के आई, फिलहाल के लिए हम ज्यादा स्काइप तो यूज नहीं करते, लेकिन फिर भी अनइंस्टॉल कर लीजिए। गलती से अगर आपने उसमें लॉग इन करके यूज कर रहे, क्या पता आपका जो वो स्काइप हैक हो जाए और बहुत सारे क्रूशियल डेटा आपके यहाँ पे जो चले जाए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो कि ऊपर की तरफ जो सैटेलाइट हवा में उड़ रहे इसके तरफ से जाएंगे और यहाँ पे जो वो दो एस्ट्रोनॉट्स यहाँ पे जो वो स्पेस वॉक करेंगे जो काफी लॉन्ग होगा, 6.5 घंटे का ये स्पेस वॉक होगा जो कि एक नासा से होगी, एक जापान से होगी और यहाँ पे अभी तक का 208वां ये जो वो स्पेस वॉक हो रहा है और यहाँ पे 2018 के अंदर लगभग से ये तीसरा है। अगर आपको नहीं पता है स्पेस वॉक क्या है तो वो स्पेस वॉक वैसा वाला वॉक जो हम धरती पे करते हैं वो नहीं, बल्कि वहां पे तो आपको ग्रेविटी नहीं होती तो आपको उड़ते ऐसे, तो वो मशीन से बाहर आके कुछ चीजें यहाँ पे जो वो जोड़ेंगे उसको बोलते हैं स्पेस वॉक, अगर मैं गलत नहीं हूं तो यहाँ पे इस तरीके की चीजें वो करेंगे। लगभग से 6 से 6.5 घंटा वो हमें उड़ते रहेंगे और वो यहाँ पे काम करेंगे। तो इस तरीके की खबर यहाँ पे जो आ रही है। तो फाइनल टेक्स आप लोगों को यहाँ पे बता रहे थे कि ब्रिटिश की यहाँ पे डायसन कंपनी ने जो वो इंडिया के अंदर एंटर कर दिया है और इंडिया के अंदर उन्होंने दिल्ली के अंदर अपना जो वो पहला स्टोर ओपन किया और आने वाले सालों में उन्होंने कहा कि अपने 20 स्टोर ओपन करेंगे 5 साल के अंदर, साथ में 1200 करोड़ रुपए का इंडिया के अंदर जो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब ब्रिटिश की डायसन कंपनी कौन होता आप लोगों को बता रहे थे कि ये अपने वैक्यूम क्लीनर्स, एयर प्यूरीफायर्स और ब्लेडलेस फैन जो वो इंडिया के अंदर सोल्ड करेगी, लगभग से 40-50 हजार रुपए की जो प्राइसिंग उन्होंने रख दी है। आप ये सारी चीजें जो वो नहीं चलती, मुंबई में एक इस तरीके का एक वैक्यूम क्लीनर आया था रोबोटिक, मैं गया था, कुछ खास नहीं था, काफी एक्सपेंसिव था और हम जैसे लोगों को उसकी जरूरत नहीं पड़ती, हमारा हाथ ही बहुत ही काफी है। तो हालांकि कुछ चीजें जो होती है वो लिमिट में, बजट में होती है और थोड़े बहुत अच्छे काम कर ले तो ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें जो हमारे लिए ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। तो ये आई थी इंडिया के अंदर, तो मैंने सोचा आप लोगों से बता दे यानी कि शेयर कर दे। तो आज की डेट न्यूज़ पे खत्म होती है, उम्मीद करता हूं आपको आज की डेट न्यूज़ पसंद आएगी। अगर आपको पसंद है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिए, मैं से आप लोगों के लिए डेली टेक न्यूज़ सुनाता रहूंगा, आप लोगों को ऐसे ही अपडेट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग।